रघुपति राघव राजा राम, सा 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 नी ध नी रे रे म ग म। नमस्कार दोस्तों, सीखो सरल हारमोनियम में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये जो भजन है ये आपकी फरमाइश पर है। 15 अगस्त पर आपकी फरमाइशों का ढेर लगा हुआ है और सिर्फ हफ्ता भर रह गया है। जानता हूँ पॉसिबल नहीं होगा इतनी सारी रिक्वेस्ट कर पाना, बस देखते हैं कितनी हो पाती हैं। दोनों चैनल पर मुझे आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करनी है, तो इसीलिए 15 अगस्त तक सिर्फ देशभक्ति रिक्वेस्ट को ही कर पाऊँगा। तो चलिए सीखा जाए इस प्रिय भजन को। बच्चों को स्कूल में परफॉर्म करना होगा इस भजन को, जो कि बहुत ही सरल है। इसे मैंने सीखो सरल पर भी सिखाया हुआ है, आज हम इसको हारमोनियम पर भी सीख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस भजन को हम शुरू करेंगे पहली काली से। पहली काली को सा मानकर इस भजन को हम सीखेंगे। पियानो वालों के लिए सी शार्प और हारमोनियम वालों के लिए पहली काली। तो मध्य सप्तक की पहली काली को हम सा मानकर सीखेंगे। इसमें गा कोमल भी इस्तेमाल हुआ है और गा शुद्ध भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों गा इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो भजन है इसकी सबसे सरल भजनों में गिनती होती है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ दो ही लाइन सीखनी है। दो लाइन सीखने के बाद आप पूरा का पूरा भजन प्ले कर सकते हैं। तो पहली लाइन है रघुपति राघव राजा राम। सा 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 नी ध नी रे रे म ग म, ये चीज। तो चार बार सा दबाएंगे तो रघुपति हो जाएगा, रघुपति। फिर राघव, सा कोमलनी और धा। कोमलनी और धा कौन सा है? मंद सप्तक के, ठीक है। तो राघव। अब राजा, राजा में कोमलनी और रे, राजा। अब राम, राम पे ध्यान दीजिए, राम, ठीक है। रेमा गामा ऐसे, तो ये हो गया राम। तो इस तरह से हो गया रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, अब इसके बाद लाइन है पतित पावन सीताराम। देखिए तो क्या किया हमने, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, तो ये पूरी लाइन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसको आपको दो बार प्ले करना है, ठीक है। तो एक बार ये पूरी लाइन में आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब अगली लाइन है सीताराम सीताराम, ये चीज। ये हम प्ले करेंगे गा से, शुद्ध गा से, ठीक है। अभी कोमल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब शुद्ध गा पर आ गए हम। यहाँ से इस्तेमाल, यहाँ से हम इस लाइन को प्ले करेंगे। देखिए ठीक है, सीताराम सीताराम, क्या किया, सीता राम। अब फिर से सीताराम, ठीक है। गा 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 रे सा रे गामा गामा, ठीक है। तो ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, सीताराम सीताराम। अब इसके बाद है भज प्यारे तू सीताराम। ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, रे से। देखिए
क्या किया, भज प्यारे तू, तू में देखिए कोमल धा इस्तेमाल हुआ, तू ऊ। अब सीता, अब राम, भज प्यारे तू सीताराम। ठीक है, और इस लाइन को भी हम दो बार प्ले करेंगे, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। हर लाइन को हम दो दो बार प्ले करेंगे, जैसे कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि भजन की लाइनों को अक्सर हम कम से कम दो दो बार तो बजाते और गाते हैं। ठीक है, तो एक बार इस लाइन को भी पूरी लाइन को प्ले करके देख लेते हैं, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। अब इसके बाद लाइन है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जो कि हम गा से प्ले करेंगे। देखिए, तो ये सेम टू सेम कौन सी लाइन है जो इससे पहले हमने सीखी थी, सीताराम सीताराम, वही चीज़ है ये। ठीक है, वही की वही कॉपी करनी है। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हमें कॉपी कर देना है और प्ले हो जाएगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है। और इसके बाद है सबको सन्मति दे भगवान, रे से। तो ये कौन सी लाइन थी जो हमने इससे पहले प्ले करी थी, भजे प्यारे तू सीताराम। तो बोल चेंज हो गए लाइन के, मगर बजेगी बिल्कुल वैसे ही। मैंने आपको कहा ना कि हमें सिर्फ दो लाइन सीखनी है और पूरा का पूरा भजन आप सिर्फ इन दो लाइन सीख कर ही प्ले कर सकते हैं। तो इस लाइन को भी आपको दो बार प्ले करना है। एक बार इसको भी मैं पूरी लाइन को प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। कौन सा लगेगा, सी शार्प माइनर। और इसके बाद वही लाइन रिपीट करेंगे जो सबसे पहली लाइन हमने सीखी थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वही लाइन अब यहां पर रिपीट कर देनी है। और हर लाइन को जैसे कि मैंने बताया दो दो बार आप बजाते जाएं गाते जाएं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितनी भी पंक्तियाँ आगे आएंगी, जो भी आपने पढ़ी हो, जो भी आपने सुनी हो, जो भी पंक्तियाँ आएंगी वो सब बिल्कुल ऐसे ही बजेंगी जैसे ये दोनों लाइनें हमने बजाई थी ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और दूसरी लाइन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। बस यही दोनों लाइनों की जो धुन है वही धुन सारी लाइनों में आपको रखनी है। ठीक है, यही नोटेशन आपको सारी लाइनों में रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो भी हर वीडियो की तरह आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक तो आपने पहले ही कर दिया होगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपकी भी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मुलाकात होगी आपसे आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।